ऑल राइट सो गाइस, आज हम इस वीडियो पे देखेंगे लीजियन ओएस वर्जन 4 फॉर रेडमी K20 प्रो। सो ये लीजियन ओएस का इनिशियल बिल्ड है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। एंड सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में अबाउट फोन सेक्शन के अंदर अगर जाते हैं हम, सो एंड्रॉइड वर्जन में आपको बिल्ड इन्फो एंड सारी चीज़ें को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। लाइक आपको लीजियन वर्जन 4 ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा एंड एंड्रॉइड वर्जन 12 सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट मिल जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं एंड्रॉयड 11 बेस्ड फर्मवेयर पे ये रोम बेस्ड है, सो आपको पबजी कर्नल देखने को मिल जाएगा। सो आपको अगर ये रोम फ्लैश करना है तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। एसी लिनक्स स्टेटस एनफोर्सिंग देखने को मिल जाएगा एंड देन आपको बिल्ड नंबर का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये हमारा पूरा अबाउट सेक्शन हो गया। इसके बाद गाइस लॉन्चर देख लेते हैं। सो लॉन्चर में एक्चुअली में आपको क्विक स्टेप लॉन्चर देखने को मिलेगा। सो वो काफ़ी बेसिक सा लॉन्चर है एंड आपको ना ही उसमें गूगल सर्च बार देखने को मिलेगा, ना ही आपको कलर्ड आइकन्स देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन वॉलपेपर कलर। सो ये मॉनिट का ये कोई भी इफेक्ट आपको एक्चुअली में देखने को नहीं मिलेगा। सो मैंने एक्चुअली में पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया था। सो मैं आपको इसका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर नहीं दिखा पाऊंगा, बट जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो एंड्रॉयड 12 का लुक एंड फील पूरा स्पॉइल कर देता है एक तरीके से। सो मेरे को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर इसका पसंद नहीं आया। सो मैंने एक्चुअली में पिक्सल लॉन्चर इधर पे अपने फ़ोन पे फ्लैश करके रखा हुआ है फॉर डेली यूजेज। एंड अगर नोटिफिकेशन पैनल में जाते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज भी करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी ट्रांसपेरेंसी या फिर ऐसा कुछ बग देखने को नहीं मिलेगा जो एवोल्यूशन एक्स में देखने को मिलता है कि ये नोटिफिकेशन पैनल एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट हो जाता था। सो ये बग आपको इस रोम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स आपको सारे बेसिक टाइल्स मिलेंगे लाइक डार्क थीम, नाइट लाइट, हॉटस्पॉट, लोकेशन। कोई भी एडवांस टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। माइक एक्सेस एंड कैमरा एक्सेस ये टाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बैक जाते हैं। सो यहाँ से एक्चुअली मैं आपको पावर ऑफ भी कर सकते हो, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, लॉकडाउन एंड ये सारी चीज़ें आपको इधर पे देखने को मिल जाएंगी। सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सो सेटिंग्स पैनल कुछ इस तरीके का हमको देखने के लिए मिल जाता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में आपको वाईफाई के सारे बैंड्स वर्किंग मिल जाएंगे लाइक 5 GHz एंड 2.4 GHz। एंड मोबाइल डेटा, वाईफाई कॉलिंग, हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। इसके बाद अगर लीजियन सेटिंग्स में जाएं, सो इधर पर एक्चुअली में ये मेन्यू तो प्रेजेंट है बट इनके अंदर अगर आप जाते हैं तो ये सारे के सारे मेन्यू एम्प्टी हैं। सो अभी एक्चुअली में आपको यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सेटिंग अवेलेबल है बट आपको ये सारे टैब्स एम्प्टी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बैटरी में जाते हैं, सो बैटरी में आपको थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से थर्मल प्रोफाइल सेट कर सकते हो एंड बैटरी यूजेज एंड बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर ये ऑप्शंस भी देखने के लिए हमको मिल जाते हैं। लास्ट में बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि ये एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर बेस्ड रोम है, सो बैटरी बैकअप वही आपको 6.5 से 7 घंटे का मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्चुअली में एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर बेस्ड रोम्स नहीं दे पाती हैं। सो बैटरी बैकअप के मामले में आपको इस रोम में हो सकता है कि कोई ना कोई शिकायत मिले कि बैटरी बैकअप आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर बेस्ड है। सो एंड्रॉयड 11 फर्मवेयर से एक्चुअली मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ कि अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हम डिस्प्ले के अंदर। सो डिस्प्ले में एक्चुअली में कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नाइट लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। नाइट लाइट यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो येलो हो गया हमारा डिस्प्ले। सो नाइट लाइट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, टैप टू वेक। इधर पे आपको पॉकेट डिटेक्शन एंड ये सारे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। सो सिर्फ टैप टू वेक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साउंड के अंदर अगर जाते हैं, डायरेक्ट साउंड एनहेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे सेटिंग्स नॉर्मल सेटिंग्स हैं। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर अगर जाते हैं, सो डार्क थीम, थीम डाइकन, ये एक्चुअली में पिक्सल लॉन्चर का मेन्यू देखने को मिल रहा है। एंड ऐप ग्रिड भी एक्चुअली में ये मेरे को पिक्सल लॉन्चर के कारण ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी में अगर जाते हैं, तो सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक के लिए फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा इस बिल्ड में। एक्चुअली में अभी किसी भी इनिशियल बिल्ड में आपको एंड्रॉयड 12 में फेस अनलॉक देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड इंक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल्स, सो इंक्रिप्शन प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है रोम, कोई भी इशू नहीं है। जैसा कि मैं इंक्रिप्टेड हूँ, सो रिकवरी मेरी प्रॉपरली एक्सेसिबल है एंड मैं कुछ भी सारी चीज़ें फ्लैश कर सकता हूँ। सो इंक्रिप्शन इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इंक्रिप्टेड हैं तो आपको DFE फ्लैश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप डायरेक्ट रिबूट कर सकते हो एंड इंक्रिप्शन प्रॉपरली सपोर्ट कर रही है ये रोम।
इसके बाद प्राइवेसी ऑप्शन मिल जाएगा। सो प्राइवेसी डैशबोर्ड, आपको न्यू प्राइवेसी डैशबोर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि एंड्रॉयड 12 में हमको देखने को मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड पासवर्ड एंड अकाउंट, डिजिटल वेलबींग, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साउंड इफेक्ट एंड कैमरा एलईडी का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। जेस्चर के अंदर अगर जाते हैं तो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, सो जैसा कि आप देख सकते हो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वन हैंड मोड, सो अगर आप यहां से कुछ इस तरीके से आपको वन हैंड मोड भी देखने को मिल जाएगा। सो एक्चुअली में नेविगेशन बार से आपको स्वाइप डाउन करना पड़ता है, सो वन हैंड मोड एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम नेविगेशन, सो जेस्चर नेविगेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो स्वाइप टू इनवोक असिस्टेंट एंड ये सारे ऑप्शंस हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्चुअली मेरे में गूगल इंस्टॉल नहीं है, सो वनीला बिल्ड है, तो आपको अगर असिस्टेंट को वर्क कराना है सो आपको फ्लैश करना पड़ेगा वेलवेट एडॉन, जो कि मैंने अभी फ्लैश करके नहीं रखा हुआ है क्योंकि मैं असिस्टेंट एक्चुअली में बहुत कम यूज़ करता हूँ। एंड क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये पूरा हमारा सिस्टम यूआई था एंड इधर पे हमको सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो इधर पे हमें चेक फॉर अपडेट एंड ये सिस्टम अपडेटर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिस्टम यूआई ट्यूनर के अंदर स्टेटस बार एंड स्टेटस बार के आइकन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सो आई थिंक ये हमारा पूरा सेटिंग पैनल हो गया। सो सेटिंग पैनल के बाद हम चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा वर्क कर रहा है एक बार हम देख लेते हैं। एंड सो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रॉपरली वर्क कर रहा है फ्रॉम AOD। फिंगरप्रिंट स्कैनर में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं लॉक स्क्रीन से। सो लॉक स्क्रीन से आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा। सो फिंगरप्रिंट से रिगार्डिंग एक्चुअली में आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी इस बिल्ड में। सो फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड इसके बाद देख लेते हैं गूगल फोटोज़ में स्पूफ। सो स्पूफ आपको एक्चुअली में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जैसे कि वनीला बिल्ड है सो आपको गूगल फोटोज़ का ऐप भी देखने के लिए नहीं मिलता है इन बिल्ट। एंड स्पूफिंग अगर आप इंस्टॉल करते भी हो प्ले स्टोर से तो आपको स्पूफिंग के लिए मींस एक्चुअली में आपको गूगल फोटोज़ का स्पूफ देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड मॉनेट, सो मॉनेट एक्चुअली में डायलर में वर्क नहीं कर रहा है, मेरा अपडेटेड भी है। एंड बाकी चीज़ों में एक्चुअली में मॉनेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें टेंटेड है एंड पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है मॉनेट। सो मॉनेट के रिगार्डिंग एक्चुअली में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं एक्सेप्ट गूगल डायलर में वर्क नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट कैमरा। सो डिफ़ॉल्ट कैमरा हमको ये देखने को मिल जाता है। सो बेसिक एंड्रॉयड कैमरा एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो सो गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो। ANX कैमरा आई डोंट नो वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि इनिशियल A12 बिल्ड्स हैं। सो सारी चीज़ें अभी हमको इनिशियली देखने को नहीं मिलेगी। वन डे बाय डे जब भी नेक्स्ट अपडेट्स रिलीज होंगे तो मे बी ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएं। बट अभी गूगल कैमरा अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा एंड बाय डिफॉल्ट हमको ये बेसिक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट गाइज हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट। सो मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ एंड व्हाट्सएप से हम स्टार्ट करते हैं एक एक ऐप ओपन करना। सो व्हाट्सएप बिजनेस एक्चुअली में इंस्टॉल्ड बस है एंड टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद सेटिंग्स ऐप, ज़्यादा ऐप्स अभी एक्चुअली में मेरे पास है नहीं। कैनन प्रिंट ओपन कर लेते हैं, इसको एग्री कर देते हैं, एग्री एंड इसको पूरा ऑन करके हम यहाँ पे इसको लीव करते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं प्राइम वीडियो। सो प्राइम वीडियो हमारा ओपन हो गया। प्ले स्टोर, देन गूगल फोटोज, फोन पे, लिंक्डइन। सो एक्चुअली मेरा अभी कोई भी ऐप एक्चुअली में लॉग इन नहीं है। सो इंस्टाग्राम लॉग इन मिल जाएगा एक्चुअली में एंड गूगल के बाद जीमेल, क्रोम एंड ब्रेव। सो ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमने इनिशियली
ऐप ओपन किए थे वो सारे मेमोरी पे हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी इशू देखने को मिलेगा, मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। सारे ऐप्स जितने भी ओपन किए थे जिस स्क्रीन में हमने लीव किए थे आपको ओपन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। सो आपको मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, मेमोरी मैनेजमेंट आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा इस रोम पे। जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी ऐप रिलोड नहीं हुआ, सारे ऐप्स मेमोरी पर रहे। सो आपको मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो हमने इतने कुछ ऐप्स ओपन किए थे, काफ़ी सारे ऐप्स ओपन किए थे, सारे ऐप्स हमको मेमोरी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं सेफ्टी नेट स्टेटस। सो सेफ्टी नेट स्टेटस मैं लाइव रन कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो सेफ्टी नेट स्टेटस फेल्ड आपको देखने को मिलेगा। सो बैंकिंग ऐप्स तो अभी मैंने एक्चुअली में ट्राई नहीं किए हैं, बट प्रॉब्लम आएगा क्योंकि सेफ्टी नेट स्टेटस फेल्ड आपको इधर पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको मे बी मैजिस्क इंस्टॉल करके कोई ना कोई मॉड्यूल, आप इधर पे काफ़ी सारे मेथड्स एक्चुअली में टेलीग्राम एंड नेट पे अवेलेबल हैं, सो आप उससे अपना सेफ्टी नेट फिक्स कर सकते हो। बट रोम काफ़ी अच्छा है, फ्लूइड है, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। डेली ड्राइविंग के लिए आप बिल्कुल इसको इंस्टॉल कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली में देखने को नहीं मिलेगी। बट सेफ्टी नेट का इशू है। सो सेफ्टी नेट का इशू अगर आप मैजिस्क इंस्टॉल करके फ्लैश करके सॉल्व कर सकते हो, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत इस रोम में देखने को मिलेगी रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। बैटरी बैकअप का भी एक दिक्कत है। सो बैटरी बैकअप अगर आप, काफ़ी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मानते हैं काफ़ी लोग, सो वो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आपको A11 फर्मवेयर में बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको रोम में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी फ्लूइड रोम है। कोई भी दिक्कत, कोई भी ग्लिच आपको इस रोम में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।